जनपद फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूर्व सांसद अक्षय यादव के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर धरना करते हुए भाजपा राज्य में हो रहे लोगों पर अत्याचार का विरोध किया और भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। और बच्चों की जान गई, नौजवानों की जान गई, काफी लोग मर चुके हैं, लेकिन जो सरकार स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो हिली तक नहीं है और व्यवस्था आम जनता तक नहीं पहुंच पा रही है। इलाज अच्छा नहीं मिल रहा है और लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, इसके खिलाफ हम लोग हैं। जब 2013 में भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनानी थी, यही जो प्रधानमंत्री हैं और यही जो बीजेपी के नेता हैं, ये लोग प्याज की मालाएं पहनकर, आलू की मालाएं पहनकर सड़कों पर निकलते थे और उससे और अब में जो तेल के अंतर है, हमारे दाम है जो, वो दोगुने हो चुके हैं। तो उस समय ऐसी क्या जरूरत थी जो महंगाई दिख रही थी आज की तारीख में नहीं दिख रही है। गरीब आदमी का जो कल इंडेक्स आया है, जो 3 पोजीशन भारत की पोजीशन और खराब हुई है, तो कहीं ना कहीं उसमें इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार का योगदान है। यही सारे विषय हैं, किसानों का विषय बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, किसानों के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि जो ये काला बिल है जो लेकर आई है सरकार, ये वापस ले। हम लोग बिल्कुल पूरी तरह से किसानों का समर्थन करते हैं, इस बिल के हम लोग खिलाफ हैं। और जिस तरीके से किसानों को रौंदने का काम लखीमपुर खीरी में करा है, और जिसने रौंदा उसका पिता इस देश का गृह मंत्री हो, तो क्या जांच हो सकती है इस पे उंगली उठाने वाली बात। और जब लुप्त है ये सरकार, इसके मंत्री, इसके जो बच्चे हैं, तो इन मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, जांच करवानी चाहिए और सिटिंग जज के द्वारा जांच होनी चाहिए, जिससे निष्पक्ष जांच हो। ये तो मौसम थोड़ा ठंडा हो गया, नहीं तो अभी पता चल जाता कितना कोयला और कितने खेत खरीद कर दे रहे हैं। बारिश के टाइम बिजली काट देते हैं, आती नहीं है, आदमी को दिक्कत नहीं होती इतनी। अगर यही गर्मी होती या ठंड होती, अभी पता चल जाता कितनी बिजली दे पा रहे हैं। नवरात्रों के महीने में ये बिजली नहीं दे पाए। फिरोजाबाद के अंदर रामलीला का आयोजन नहीं हुआ, परमिशन नहीं दी गई, इस पर भी उंगली उठाने वाली बात है। भाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में फिरोजाबाद में रामलीला नहीं हो रही है, आज की तारीख में कोई नहीं बोल रहा। अगर यही समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो क्या क्या बोला जाता। तो ये सारी चीजें समझने वाली हैं, सोचने वाली हैं।